अच्छा बड़ी लेट कर दिया यार, मैं सुबह नाश्ता देने में, तूने आज बहुत लेट कर दिया। आज सो रही थी मैं, सुबह 10 बजे दुकान पे आ गया। आज बात कुछ नहीं है, वो गुरुद्वारे में आज छबील बैठ रही है ना आज। मैं कहा सुबह दूध वगैरह लोग आएंगे कस्टमर, दूध रोजा चीनी वगैरह के लिए, तो सुबह 10 बजे आज 9:30-10 बजे खोल दी गई जॉब। है तू सो रही थी, मैंने तेको उठाया नहीं। तो गाइस आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि निशा को पराठा शेप बनाने नहीं आता। ये देखिए पराठा बहुत बढ़िया बनाया, गोलदार, इससे बढ़िया कोई पराठा मैं कह रहा हूँ कोई बना ही नहीं सकता। क्यों तो निशा कोई बात नहीं, बोलने वालों काम है। मेरा और क्या कहते हैं, परी उठ गई, सो रही है, तुम करनी मजे ले रही जिंदगी। स्कूल सा क्या हुआ उसका, मैडम का फोन आया था, बात कर ले एक बार, फिर जाइयो फिर जाके हो गया टेबल। हाँ तो पैर चलते हैं। निशा कामरा फैन ब्लॉग थे सबको, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप, आई होप अपने घर में सब ठीक होंगे। तो बस आज दिन की शुरुआत कर रही हूँ, तो मैंने कहा पहले गाइस को हाल चाल पूछूं, आपका दिन शुभ मंगलम जाए। तो नए ब्लॉग की आज स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। तो गाइस आज आपको बताऊँ भी, बस नहा धोई हूँ काम, अपनी मेड आई भी अपना सफाई कर रही है, तो अपनी डस्टिंग वस्टिंग भी करूँगी थोड़ी देर, परी भी सो रही है। तो आज गाइस बताऊँगा आपको, टेबल लेने जाना है परी के रूम के लिए, इस रूम के लिए, और एक टीवी भी लेना है, तो आज देखने जा रहे हैं। तो गाइज आप भी बताना कि कौन सा सही लग रहा है कौन सा नहीं, तो कमेंट में जरूर रिप्लाई करना। तो आज मिलते हैं फिर आपको, देखो जेल रोड पे जाते हैं या उत्तम नगर, कहाँ भी जहाँ भी सुनील जी को ठीक लगेगा तो वहीं पे देख के फिर आपको बताना। सो गाइज अब रेडी हो चुकी हूँ मैं परी के रूम की टेबल लेने के लिए, तो बस आप जेल रोड पे देखते हैं, उत्तम नगर देखते हैं, जहाँ सुनील को ठीक लगेगा फिर हम देखते हैं, डिसाइड करते हैं, फिर आपको ब्लॉग में सब दिखाते हैं। और क्या, कहाँ चल रहे हो? अरे आज सुबह से ना मेरे पीछे पड़ी है, कह रही है मुझे स्विमिंग पूल ले दो, स्विमिंग पूल ले दो। परी क्या लेना आपको? स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल, मैं कहा चल देखता हूँ छोटा, मैं नहाऊंगी उसमें तो। नहीं नहीं, नहीं, नहीं मेरा है वो तो, मैं लाए हैं जैसे मम्मी को ले देना। अच्छा मम्मी को ले देना, नहीं हम परी के स्विमिंग पूल बना लेंगे, हम तो परी के स्विमिंग पूल में नहाएंगे। अब स्विमिंग पूल लेने जा रहे हो? देखता हूँ कोई बाजार में मिल जाएगा तो ले दूंगा, मजे को मिल जाएगा तो ले देंगे बेचारे। गाड़ी का एसी भी फेल हो पड़ा, गर्मी बहुत है, गर्मी इतनी है, अरे 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। हाँ शिमला के गर्मी देख के ना शिमला की याद आती है, क्या मौसम था क्या नज़ारा था। चले फिर, अब कहाँ चलेंगे, अब नहीं जा सकते, अब नहीं जा सकते, अब आ गए तो आ गए, दिल्ली में रहेंगे। हाँ सुनील जी दिल्ली आ गए तो आ गए। परी देख स्विमिंग पूल आ गया, देख इतने बड़ो। नाना नाना पानी नहीं है इसमें भी, अब तो सूखा है वो। ये देख ये भी आ गया, देख डोर भी आ गया, देख डोरी डोर, ये देख ये भी आ गया, ये देख। कौन सा लेना है बता? ये बड़ा तो घर में नहीं आएगा, नहीं गोल, ये देख ये गोलदार है ना, ये छोटा चाहिए इस बच्ची ने, नाना इसे है छोटा इससे, मैं कहा इससे छोटा चाहिए जिस, ये तो आएगा ही नहीं, ये हमारे बाथरूम में ही आएगा ना, बाथरूम छोटा यार हमारा। ये वाला ठीक है जो लिया, अब हमने देख ले, इसमें छमछम कर लोगे ना आप, हैं वो बेटा बड़ा वो नहीं आएगा गाड़ी में, ठीक है ओके, खुश हैप्पी, हंस के दिखा दो आप, चलो देख लो डैडी आपके लिए क्या क्या लेते हैं चीजी, देख रहे हो आप। अच्छा ये डिजाइन सही लग रहा है मेरे को, ये वाला ये टक्कर है, क्या कहती है, आ जाइए आ जाइए। इसमें अगर इसे तो ये कलर है, एक ये सिल्वर भी कलर है, और ये देखिए ब्लैक, ये ब्लैक तो सही नहीं लग रहा, डिजाइन भी और भी कोई है, बस यही है आपके पास?
स्लाइड हो रही है। अगर प्रोफाइल लाइट बनवानी तो ऐसी बढ़िया लग रही है। ये तो पूरी अलमारी होगी, ये तो ये भी बहुत अच्छा लगा। दादी देखो स्विमिंग पूल ले आई आज, कैसा है? हवा निकाल दी है, उससे करवा के आए थे, हवा ही निकाल दी। टन्नू के लिए भी ले आई चलो। थोड़ा बड़ा ही लिया इसके लिए, छमछम ज्यादा करी है ना परी। तो सारे ने पानी में डुबकी लगाई हो, सारा दिन किचड़ किचड़ करेगी घर में। सही है, सही लग रहा है। क्या कर रहे हो आप परी, क्या कर रहे हो स्विमिंग पूल में, क्या कर रहे हो? अभी उतारती हूँ, पहले बताओ क्या है ये? पानी। और ये क्या? स्विमिंग पूल। किसने लेके दिया? डैडी ने। डैडी अच्छे है ना? हाँ। बोल डैडी थैंक यू। क्या हाल है पापा? और क्या सेहत है? बढ़िया बढ़िया, आज इस रूम में एसी चलाया। अरे वाह, 24 डिग्री पर चल रहा है। हाँ सुनील जी, पापा रूम बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है, खुला 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 लग रहा है, बड़ा बड़ा लग रहा है, हमारा कमरा छोटा छोटा लग रहा है। नहीं नहीं, तुम्हारी जब तक अलमारी नहीं हटेगी ना, अलमारी नहीं हटेगी। मैं उस दिन बोल के आया था अलमारी नहीं हटेगी, कुछ नहीं। आज पापा की सेटिंग मुझे बढ़िया लग रही है भाई। नहीं नहीं, अलमारी हट जाएगी, हमारी बढ़िया हो जाएगी, ऐसी बात नहीं। नहीं तो रूम चेंज करना पड़ेगा पापा के से। तो मैं तो कल अभी थोड़े दिन में ये मुंह इधर करूंगा, और जगह खुली कर लेकिन रेट 28,000, 25,000, 30,000, 35,000 इससे कम टेबल ही नहीं। पर पापा टेबल देख लो ना, दिल खुश हो जाएगा। टेबल है वैसी कोटी मजेदार टेबल थी। कुछ मत करो तुम, कुछ मत करो। एक दिन मैं छुट्टी करता हूँ, जब मर्जी कल को परसों को संडे को सीधा बंजारा मार्केट चलते हैं। वहाँ पापा ये सजाने का सामान था, टेबल थोड़ा मिलेगी। अरे टेबल फैंसी टाइप की मिलती है? नहीं टेबल नहीं मिलेगी पापा वहाँ पे, वो टेबल। अरे जो हमने देखी है ना, आप देखोगे ना अभी, देख लोगे ना, आप हिल जाओगे। हमने ना डिजाइन पसंद कर लिया, हम जो ये जो फ्लोर बन रहा है ना सामने गुरुद्वारा वाला, उसके वहाँ जो वुडन वाला है ना उससे बनवा। मैं सोच रहा हूँ वो डिजाइन में फोटो खींच, फोटो खींच के ले आया सेम, और सेम वो अपना लकड़ा बना देगा। अब ये डिसाइड हुआ हमारा, कल जाके लकड़ा अभी एक फुट का जगह और बढ़ा दूंगा, इधर टेबल ले आऊंगा, कलर भी लगा हुआ, प्रेस भी उसी पे हो जाएंगे सब। मेन हमारी प्रेस की प्रॉब्लम, प्रेस की भी वो दिक्कत होती है, दिक्कत होती है, वो सेटिंग हो जाएगी भाई प्रेस की भी, और परी के कपड़े वपड़े भी सवार। अलमारी हटाओ पहले सबसे। अरे वो तो हट जाएगी ना, अच्छा पलंग पलंग ऐसे करो, खिड़की खुली हो, कम गर्मी हो खोल लो, कुछ मर्जी कर लो, वैसे कर लेंगे। गाइस भी कह रहे हैं से रोग है मकान का, तुम्हारा रोग ही खत्म हो गया। हाँ वो तो हो जाएगा, अरे वो तो कर लेंगे। अगर चाहिए तो टेबल तो यहाँ तो आएगी ना, टेबल टेबल यहाँ बिछा दो। निशा क्या कर रही है? आलू बना रही थी। आलू बना रही है रात को? क्यों रोटी खाने है? आलू खाने पर वो आबू खाने हैं, आबू खाने हैं। ये आपने क्या करा ये इसका, ये क्या हाल कर दिया? अब बताओ, इतने प्यार से 500 रुपये खर्च करके लाया हूँ परी का, बताओ यार क्या हाल है परी? तेरे को तो ना कोई चीज़ लेगी नहीं देनी आज के, मैंने सोच लिया पासम ले। हर चीज़ देगी निशा, अभी एक दिन नहीं चलने दिया। पंप से ठीक तो जाएगा ना ये? हाँ हाँ। अरे है क्या ये, देखो हवा तो भरी रही है इसमें, इसको बंद कर दूं, कैप लगा दूंगी पीछे से। अब ले आइयो भाई वो पंप, ले आइयो कल इसका, महंगा पैसे खर्चे खराब ना हो। तो खास ने तोड़ मारा उसे। अच्छा ठीक है परी, ठीक है परी, मैं कल इसमें आपका पंप भर दूंगा, ठीक है बेटा? अरे 5 मिनट फिर मैं लो, फिर डैडी और परी इसमें क्या करेंगे? चमचम।
चमचम मम्मी चमचम करे इसमें मम्मी भी करे नहीं खुला मम्मी चल सुबह ले आई भाई याद से इसको है। हेलो गाइस हाउ आर यू आई होप आप सब ठीक होंगे। तो रात बहुत हो चुकी है सोने की तैयारी है नींद भी आ रही है ज़बरदस्त। तो मैंने निशा से ना आज एक बात करनी मेरी साली साहिबा का ना फ़ोन आया था आज मेरे को कह रही जीजू आप अकेले के लिए घूमा हमें आपने पूछा भी नहीं मुझे लेके भी नहीं गए आप हमारे साथ एक प्लान एक बनाओ और घूमने चलो। तो मैं कहा चल ठीक है आती दीदी से बात करता हूँ रात को तेरे को सुबह बताता हूँ। तो मुझे कह रही कि मुझे कन्फर्म बताना सुबह तो आप कब चलोगे और कहाँ चलोगे और हमें कहाँ लेके चलोगे। तो मेरा तो मन है मैं कहा मंसूरी चलता हूँ तो कह रही कोई बात नहीं जीजू मंसूरी चल लो मैं चलने को तैयार हूँ मुझे बस एक हफ़्ता पहले बता देना मैं ऑफ कर लूँगी मतलब ऑफिस से ऑफ ले लूँगी एक हफ़्ता पहले ना उसे बताना पड़ता है उसके बाद आप मुझे बता दो जहाँ कहोगे मैं चल लूँगा। तो क्यों निशा बताओ चलो हैं चले तो कब का बोल दूँ नेक्स्ट मंथ बोल दूँ फिर 10 तारीख के बाद का बोल दूँ पक्का देख ले ये मत बोलियो मैंने क्या बोलना तो ठीक है गाइस नेक्स्ट मंथ 10 तारीख के बाद जो सोमवार आएगा उसके तब आप हम डिसाइड करते हैं ट्रिप पे जाने का और आपको सारा ब्लॉग में दिखाएंगे कहाँ जा रहे हैं। एक दिन हैदराबाद रुकेंगे एक दिन त्रिची रुकेंगे एक दिन मंसूरी रुकेंगे पूरा आपको ब्लॉग में दिखाएंगे। तो निशा पैकिंग कर ले फिर प्रोग्राम बनेगा हाँ और एक जगह जगह स्टे करेंगे। हाँ तो नेक्स्ट मंथ गाइस दोबारा आपको ट्रिप का प्रोग्राम बन गया हमारा और आपको पूरा ब्लॉग दिखाएंगे दिल्ली टू मंसूरी का। बनता ही रहेगा हर दो तो 3 महीने बाद बनता ही रहेगा तो आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा थोड़ा ब्लॉग में चेंजिंग दिखेंगी हाँ थोड़ा क्रेज भी रखेगा आपको देखने में निशा काम का ब्लॉग को। तो इसी के साथ हम आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं तो मिलते हैं कल आपको न्यू ब्लॉग में गुड नाइट बाय बाय टेक केयर मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए इससे जरूर दीजिए और जल्दी से जल्दी आप फेसबुक को फॉलो कीजिए हम आपको रोज़ बोलते हैं फेसबुक को फॉलो कीजिए तो आप कर लीजिए थोड़ा बटन दबा दीजिए हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया फटाफट से जाइए और बस एक फॉलो कीजिए बटन और हमारा भी सहयोग ऐसे बढ़ाइए सपोर्ट बढ़ाइए और ऐसे मतलब प्यार बनाए रखिए तो मिलते हैं कल आपको न्यू ब्लॉग में तरंग मांग के साथ। बाय बाय।